हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है मॉडेम तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मॉडेम क्या होता है मॉडेम का एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है और मॉडेम डिवाइस को कैसे कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ करते हैं ठीक है थीके? लेकिन सबसे पहले समझते हैं मॉडेम क्या होता है मॉडेम इज अ हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इवन इट इज़ प्लेस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड टेलीफोनिक लाइन इज़ कॉल्ड मॉडर्म डिवाइस फ्रेंड मॉडर्म जो होता है यह एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है ठीक है जिसका हम यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है तो देखो मॉडर्म का सिंपल सा काम होता है सिग्नल को कन्वर्ट करना अगर हमारा सिग्नल डिजिटल होगा तो एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा अगर हमारा सिग्नल एनालॉग होगा तो डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा ये हमारा मॉडेम ठीक है अब देखो जो मॉडेम होता है ये कंप्यूटर सिस्टम और टेलीफोनिक लाइन के बीच में प्लेस किया जाता है ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि कैसे टेलीफोनिक लाइन और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में मॉडेम को प्लेस करते हैं और कैसे हम सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं ठीक है अगला पॉइंट से मॉडर्म है टू पार्ट देखो मॉडर्म दो पार्ट में डिवाइड है सबसे पहला है मॉडुलेटर दूसरा है डी मॉडूलेटर ठीक है तो अब चलो वन बाय वन समझते हैं मॉडुलेटर क्या होता है और डी मॉडुलेटर क्या होता है होता है फ्रेंड पार्ट नंबर वन है हमारा मॉडुलेटर ठीक है अब देखो मॉडुलेटर क्या करता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल देखो मॉडुलेटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है दूसरा है हमारा डी मॉडुलेटर अब देखो ये क्या करता है इट कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है हमारा डी मॉडुलेटर ठीक है अब चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मोडूलेटर और डी मोडूलेटर का फंक्शन क्या होता है और कैसे कंप्यूटर नेटवर्क में काम करता है ठीक है देखो इधर हमारा सेंडर कंप्यूटर है और इधर हमारा रिसीवर कंप्यूटर है ठीक है ये सेंडर कंप्यूटर कुछ डेटा सेंड करना चाहता है इस रिसीवर कंप्यूटर के पास ठीक है तो मैं अब देखो यहाँ पर एक हमारा ये टेलीफोनिक लाइन लगा हुआ है ठीक है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर मॉडुलेटर और डी सेट कर दूँगा ठीक है अब देखो डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा सेंडर कंप्यूटर से और कैसे रिसीवर कंप्यूटर में डेटा जाएगा ठीक है देखो यहाँ से सेंडर कंप्यूटर ने कुछ डेटा सेंड किया एक्सवाई जेड मान लो कुछ भी ठीक है ये जो डेटा है ये डिजिटल फॉर्मेट में है ठीक है तो जैसे ये डेटा डिजिटल फॉर्मेट जाएगा हमारे मोडू मॉडर्म के पास यानी मॉडुलेटर के पास तो क्या करेगा ये मॉडुलेटर का फंक्शन होता है कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल तो ये हमारा डिजिटल सिग्नल गया मॉडुलेटर के पास ये कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल में जैसे एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा तो देखो यहाँ पे एनालॉग में सिग्नल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अब ये सिग्नल इस टेलीफोनिक लाइन के थ्रू जाएगा अगेन डी मोडूलेटर के पास अब डी मोडोलेटर का फंक्शन क्या होता है इट कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल अब डी मोडोलेटर को मिलेगा यहाँ पे एनालॉग सिग्नल अब ये कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में ठीक है तो ये डिजिटल में जैसे कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ से हमारा डिजिटल सिग्नल आउट हो जाएगा तो ये हमारा डिजिटल सिग्नल आउट होगा तो अब इस कंप्यूटर के पास चला जाएगा हमारा डिजिटल सिग्नल ठीक है तो फ्रेंड देखो यहाँ से हमारा सिग्नल सेंड हुआ था डिजिटल यहाँ पे हमारा एनालॉग में कन्वर्ट हुआ मॉडुलेटर के थ्रू फिर ये एनालॉग सिग्नल डी मोडूलेटर में गया फिर इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया गया और फिर डिजिटल सिग्नल हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पास चला गया तो इस टाइप से काम करता है हमारा मॉडुलेटर एंड डी मॉडुलेटर का काम होता है डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना और यहाँ पे डी मोडूलेटर का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना ठीक है फर्स्ट पॉइंट से हमारा इट कन्वर्ट सिग्नल डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल ठीक है देखो मॉडूलेटर जो होता है सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में अगला पॉइंट से इट हेल्प टू कंप्यूटर टू कनेक्ट ऑन इंटरनेट मॉडेम जो होता है कंप्यूटर को हेल्प करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए ठीक है अगला पॉइंट है स्पीड डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ मॉडम मॉडर्म की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है मॉडर्म की कॉस्ट के ऊपर आप जितना महंगा मॉडम यूज़ करोगे कंप्यूटर नेटवर्क में उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा डेटा का सेंडिंग फास्ट होगा ठीक है डिसएडवांटेज पॉइंट में हमारा फर्स्ट पॉइंट से मॉडम कैन नॉट फाइंड ट्रैफिक बिटवीन लाइन नेटवर्क एंड इंटरनेट मॉडम जो होता है ट्रैफिक को फाइंड नहीं करता है इंटरनेट के बीच में और नेटवर्क के बीच में ठीक है अगला पॉइंट से व्हेन वी यूज मॉडेम लिमिटेड नंबर ऑफ़ डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट अगर आप मॉडेम यूज़ करोगे ना तो एक लिमिटेड डिवाइस ही कनेक्ट कर पाओगे इंटरनेट से ठीक है अब देखो मॉडेम में आपको नोट पॉइंट क्या याद रखना है इट अलाउ कंप्यूटर टू कनेक्ट द इंटरनेट मॉडेम जो होता है अलाउ करता है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ठीक है तो फ्रेंड ये था वीडियो मॉडेम क्या होता है मॉडेम का एडवांटेज क्या है मॉडेम का डिसएडवांटेज क्या है और मॉडेम कैसे वर्क करता है कंप्यूटर नेटवर्क में ठीक है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए